साथियों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। लोगों का हुजूम लगा हुआ और हम पलसिया गांव आ गए हैं। इन लोगों का कहना है कि छोटा सा इन लोगों का जो तालाब है वहां एक सांप देखा गया है और ये सांप बैंडेड करे थे जो दूसरे सांप को पकड़ करके खा रहा है। चूंकि गांव वालों का कहना है कि मुबारक जी इसको जितना जल्द हो सके हटा दीजिए, नहीं तो हम लोग इसे मार बैठेंगे। तो दोस्तों वीडियो का आखिरी तक बने रहे, अब देखिए हम इसको रेस्क्यू कर पाते हैं या नहीं, ये भी एक चुनौती है। अब सोचिए ये एक वाटर स्नेक को पकड़ लिया है और इसकी पकड़ इतना जबरदस्त है, देखा जाए अब क्या हो रहा है। हो सकता है हम पकड़ भी लें या हो सकता है भाग भी जाए, दोनों ही चीज यहां पर हो रहा है। तो देखिए किस तरह ये ध्यान से नजरें जमाए रखें। ये एक ऐसा सांप है, बैंडेड क्रैथ है, दुनिया का सबसे जहरीला सांपों में इसका नाम दर्ज है। हिंदी में इसे राज सांप, बंगला में शाखा मोती और इंग्लिश में बैंडेड क्रैथ, और एक साइंटिफिक नेम है बंगरस, जो बहुत ही ज्यादा विषैला होता है। कुछ लोगों ने हमें बताया कि मुबारक जी ये पीछे की तरफ से भी काटता है, तो ये मिथक है या सच्चाई है, इसलिए वीडियो का आखिरी तक बने रहे। अब हमें देखना ही होगा जाकर के सामने से। यही है बैंडेड क्रैथ, आइए। डरिए मत सरयत जी, गांव वालों को सच्चाई का पता चलना चाहिए कि आखिर क्या है। यही है बैंडेड क्रैथ, पीला काला सबसे अद्भुत। सिर्फ रात के अंधेरे में निकलना और दूसरे सांप को खाना, यही है इको बायलेंस सिस्टम। कुछ अंधविश्वासी लोगों ने हमें बताया कि ये पूंछ के तरफ से भी काटता है। काटता है क्या पूंछ के तरफ से? ये बिल्कुल अंधविश्वास है, यहाँ कोई तरह का मुंह नहीं है। बहुत ही प्यारा सांप है ये। यही है असली बैंडेड क्रैथ, देख रहे हैं ना, थोड़ा सा पूंछ को दिखलाया जाए करीब से। ये इसका पूंछ है और इसका ये मुंह है। अगर इस तरह का होता तो यहां भी मुंह होना चाहिए था। और इसका जो शेप है त्रिभुज आकार, जिसे इंग्लिश में हम लोग ट्रायंगुलर शेप कहेंगे, और ये रात के समय में अंधेरे में निकलता है। अभी भूखा प्यासा है इसलिए ये खास करके भोजन की तलाश में निकल चुका है। बहुत शर्मिला स्वभाव का होता है, ये जल्दी भागना नहीं चाहता है। क्या मन लाइक से अपना देखिए, सांप एक ऐसा प्राणी है कि सांप थे के नहीं सांपेर नाम थे के ही भय, सांप थे के नहीं सांपेर नाम थे के ही भय। 95% सांप होच्छे निर्विष और 95% मानुष के कामोड़ दियार पर आदमी एक दूसरे को डरा देता है, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है, यही असल सच्चाई है। तो सबसे अलग, दिखने में अद्भुत, और ज्यादातर हर स्टेट में ये नहीं पाया जाता है, क्योंकि झारखंड एक ऐसा जगह है जहां माइंस है, कोल माइंस है, और कोल माइंस में अक्सर इस तरह का दुर्घटना होते रहती है।
रात के अंधेरे में अगर कोई भी सांप किसी भी व्यक्ति को काटता है तो नोटिस ना करें, सीधे हॉस्पिटल का सहारा लें। कहाँ का सहारा लें? हॉस्पिटल। ओझा गुनी झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना रहें, और नहीं तो साथियों मारा जाइएगा। क्या होगा? मारा जाइएगा, एक जानलेवा सांप है। और हमें खास करके यूथ, यंग पीढ़ी, युवा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप फ्री हैंडलिंग ना करें। हम फ्री हैंडलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब हम अगर कुआं में कूदेंगे तो क्या आप लोग कूदिएगा? हम फांसी लेंगे तो आप लोग भी फांसी लीजिएगा? हम ट्रेन के आगे कूदेंगे तो आप लोग भी कूदिएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं करें। इस पर क्या है? पढ़ाई है, हाई एजुकेशन है। स्नैक ऑफ इंडिया एक बुक है, और उस बुक के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि कौन सांप जहरीला है और कौन नहीं है, और कौन सांप काटता है इंसान को। ये जल्दी बाइट नहीं करता है, क्या नहीं करता है? ये जल्दी काटना चाहता नहीं है। और ये झारखंड में 7 से 9 फीट की पाई गई है। झारखंड में इस सांप की कुल लंबाई 7 से 9 फीट है, और सबसे अलग दिखने में रात का सहिंसा, ये रात को ही निकलता है, लेकिन भूखा प्यासा होने के कारण ये मॉर्निंग में निकला है। और इसे हम चाहेंगे कि पंचत पहाड़ी में छोड़ दें। और साथियों, और एक चीज हम बताना चाहेंगे कि देखने से जो अनुभव है, ये जो है ये मेल राज सांप है। मेल मतलब पुरुष वर्ग का सांप है, ये नर है, नर। इन्हीं सांप शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और हम गर्व से कहेंगे वंदे मातरम।